दरबार में बलराम सा पीर की ये है। अरे हेलो मारो सावरो मारो हेलो मारो हेलो सावरो रडू दे दारा बोले बो एके एके जाड़ियाने निका बोले बो रे अरे तीन तो है यात्री ने जो तो बनियो चोर मारो हेलो मारो हेलो सावलो लड़ू तेरा रा हेलो मारो सावलो ने रुड़े तेरा रा अरे पारी सावलो ने चरनाथ अरे हुकम हो गए तो बाबा जोड़ू दोनों हाथ मारो हेलो मारो हेलो सावरो रडू तेरा रा केरी केरी तारिया ने निका बोले बोले केरी केरी तारिया ने निका बोले बोले मारे दिनो मारिया ने जने लग चोर मारो हेलो चावलो रानू तेरा अबला करे वो पुका ओ बे अबला अरे करे वो पुकारे अरे कटी ले गयो मारो मिले रो अखबार मारो हेलो सावरो रडू तेरा रा हेलो मारो सावरो रे
અજે મારી સાવળો ને મેરા ચરણાત અરે હુકમ હોવે તો બાબા જોડું દનું હાથ મારો હેલો મારો હેલો સાવળો રાણું જે રારા બોલો બાબા રામદેવજી મહારાજ કી સુનો એકો હેલો भक्ति को ले लो मजो। अरे ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, जय बाबा की बोलिए बड़ा अच्छा लगता है, बोले जय बाबा की। बहुत ही सुरीला अंदाज नन्हे कलाकार का। अगली पायदान पर आवाज देना चाहता हूं, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। खरवा से हमारे बीच पधारे राजेश सोलंकी। राजेश सोलंकी खरवा से हमारे बीच पधारे हैं प्रतिभागी के रूप में। उसके बाद तैयार रहे हिमांशु चौहान। अगली प्रस्तुति राजेश सोलंकी। शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। हेलो, रामा मोरी राख जो और डोरी थारे हाथ और कचो नहीं आसरो ये धनिया प बिना रघुना अरे देखा मेलो वो पीर जी देखा मेलो वो ये बाबा सुन ले मारो हेलो रे नीचे बुला ले बाबा देखा मेलो रे रे हेलो बड़े तुम्हारे घर बता रे अरे देखा मेलो वो पीर जी देखा देखा मेलो पीर जी देखा मेलो बाबा सुन ले मारो हेलो रे रुणी से बुला ले बाबा देखा मेलो रे बाद में मेलो लागे ने जो लागे भारी बाबा ने जो लागे भारी बाद में मेलो लागे ने जो लागे भारी बाबा ने जो लागे भारी अरे कोई आवे रेल मोटर में कोई पैदल यारी कोई आवे रेल मोटर में कोई पैदल यारी तारी बोले जे जे खारी रे रुणी से बुला ले बाबा देखा मेलो रे तारी बोले जे जे खारी रे रुणी से बुला ले बाबा देखा मेलो रे Thank you.
है। कोई नाचे कोई कूदे थोड़ी सजा ले रावे बाबा थोड़ी सजा ले रावे। अरे जे बाबा री लाली सजा ले रावे। जे बाबा री थोड़ी सजा ले रावे। ये सागे जावे गणो जमे लोरे लुणी चे बोला ले बाबा देखा मे लोरे ले मारो हे लोरे लुणी चे बोला ले बाबा देखा मे लोरे। बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच में जल्दी से आवाज दे देता हूं हिमांशु चौहान को। पुनः आग्रह करूंगा तमाम प्रतिभागियों से कि जब भी आप मंच पर आएं अपनी प्रस्तुति से पहले जयकारे की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा अपना गायन शुरू कर सकते हैं। फतेहगिरी जी महाराज, रामगढ़ वाले, हनुमान दास जी महाराज, बिराठे वाले, तमाम संतों की गरिमामय उपस्थिति में परमात्मा के स्वरूप के रूप में हमारे बीच में विराजित हैं। साई कृपा से हमारे गुड्डू भाई भी हमारे बीच आ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पूरी टीम के साथ मौजूद है तमाम सेवादार भी हमारे बीच मौजूद हैं। जो भी भक्त पीछे खड़े हुए हैं उनसे पुनः आग्रह है कि कृपया आपको जहां भी स्थान मिले आप विराजिएगा। तो चलिए समय का ध्यान रखते हैं और अगली आवाज हिमांशु चौहान। हेलो हेलो हेलो, लेट्स स्टार्ट। राम साव आव जो ओ जीव कल जुग में ते गुरु अराज करो जमाल रा। हेलो सावण जो हो रामा कहूं के राम दे हो तन ही लोग के लो हो जाने मिलिया राम दे उत्पन्न पल में करो निहार। और ये भजन चालू जब भी होगा जब ताली की आवाज आएगी और ताली के साथ ओ कोई रोड़ जोड़े बाजे घुघरा छम छम बाजे घुघरा। हेलो हेलो कोई रोड़ जोड़े बाजे घुघरा छम छम बाजे घुघरा। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठा के एक साथ ताली के साथ कोई कोई रुण जुड़ बाजे घुघरा। बोलिए जमाल करे उतार की और ताली के साथ कोई रुण जुड़ बाजे घुघरा चम चम बाजे घुघरा रुड़ जुड़ बाजे घुघरा कोई चम चम बाजे घुघरा घोड़े रा बाजे बोड़ जी घोड़ली ले रा बाजे बोड़ जी होली लरी सवारी आवे बाबरी असवारी आवे आवे रामा फिर जे हो जे हो
कोई रुड़ जुड़ बाजे घुगरा। बोलिए जमाले मेरे बता पिछम दरारे मरगा, ओ पिछम दरारे मरगा, वो एक अलबेलो असे वार जी, एक अलबेलो असे वार जी, वो ले लोहा के धरती दूजे, ले लोहा के धरती दूजे, लुड़ लुड़ करे जवार जे, वो जे कोई रुड़ जुड़ बाजे घुगरा, वो कोई चम चम बाजे घुगरा, वो गोड़े रा बजे पोड़ जी, गोड़लिए रा बजे पोड़ जी, होली लरी सवारी आवे, बाबरी असवारी आवे, आवे रामा फेर जे, हो जे हो जे गोचियो सुनिए। एक बहुत पुराना भजन, दो लाइनें याद आ रही है, गुनगुनाने जा रहा हूं, मेरा साथ देना पड़ेगा ताली के साथ, ताली देखे जिस चीज की ताली बजेगी उसी के लिए होएगा। उम्र तो सब देवाने छोड़े राम साजे जावा, उम्र तो सब देवाने छोड़े राम साजे जावा, मारे मनरे तंदूरे ओ मनरे तंदूरे पर थोरे बाड़े गावा, हाँ मारे मनरे तंदूरे पर थोरे बाड़े गावा। और कहना क्या, कमा कमा अजमल जीरा लाल दे घड़ी कमा। देखिए जो जो बाबा को मनाना है, जो केवल भगत है बाबा का, वो कहेगा कमा कमा अजमल जीरा लाल दे घड़ी कमा। देखिए ऐसे अगर मनाओगे तो मैं कह रहा हूं कि बाबा तो छोड़ो पड़ोसी भी घर में नहीं आएगा, बोलना तो पड़ेगा। देखो जो फिर कहते हैं कि लोग कि हम बुलाते और बाबा नहीं आता, कौन कौन बुलाना चाहता है एक बार हाथ उठा के बताए। यहाँ वाले तो बिल्कुल नहीं बुलाना चाहते, बुलाना चाहते हो, बुलाना चाहते हो पीछे वाले, इधर मेरे भाइयों को तो लड़ाई हो रही है बाबा से, एक बार हाथ उठा के। ओ मैं तो सब देवाने छोड़ राम साजे जावा, तुम्हारे मंदिर तंदूरे ओ मंदिर तंदूरे पर तरे बाड़े गावा, हाँ मारे मंदिर तंदूरे पर तरे बाड़े गावा। ओ कमा कमा अजमल जी लल दे घड़ी कमा, अजमल जी लल दे जियो ओ जियो। जो जो मेरे साथ कहना चाहता है एक बार दोनों हाथ उठा ले दरबार में, कौन कौन कहना चाहता है एक बार सीधे सीधे हाथ। देखो भाई लोग पीछे खड़े हैं, जितने भी भाई पीछे खड़े हैं सबके हाथ खड़े होने चाहिए, और मेरे साथ कहना है ओ रूडी जी 5 4 3 2 1 टाइम क्लोज सॉरी। और अब हाथ उठा लिए तो एक बार बोलो राम सपीर की। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, और एक ऐसे ही सूरज हमारे बीच मौजूद हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम
एक ऐसी ही रोशनी सूरज के रूप में हमारे बीच मौजूद है, सूरज जी भाटी, जो कि आज जो तमाम प्रतिभागी हैं इस महामुकाबले में, जो भी विजेता बनेंगे, जो भी सुरों के सरताज बनेंगे, प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में सूरज जी भाटी, उन्हें पुरस्कार स्वरूप जो भी राशि होगी, जो भी इनाम होगा, वो आज उनकी तरफ से दिया जाएगा। इसलिए सूरज जी भाटी साहब, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। इसी के बीच में आपको बता दूं कि हमारे बीच में जो सेवादार केसरिया पगड़ी बांधे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो भी बाबा की भक्ति में बहुत निपुण हैं। श्री राम भक्त सेवा मंडल के तत्वावधान में 5100 रुपये भंडारे में सहयोग राशि के रूप में दी गई। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली इस राम भक्त सेवा मंडल के लिए हो जाए। 5100 रुपये भंडारे में सहयोग राशि के रूप में आपने दिए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है, बाबा भली करे। राजू भाई जगदम्बा कुर्सिंग वाले, हमारे राजू भाई, प्रशांत जी बराड़िया साहब, इंद्र जी गहलोत जी, गुड्डू जी शर्मा, निपिचंद जी, ये तमाम टीम भी हमारे बीच मौजूद है। तमाम संतों का जो हमारे बीच मौजूद है, उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। गुड्डू भाई आप भी जाइए, तमाम संतों का स्वागत अभिनंदन। और इसी बीच में मैं अगली प्रतिभागी के रूप में आवाज दे देता हूं, अलीशा भाट को, ब्यावर की धरा से है वो, आपसे गुजारिश है कि आप मंच पर पहुंचे। एक निवेदन है मेरा आप सभी से कि आप सबसे बड़े निर्णायक हैं। अगर कोई भी प्रतियोगी आपको पसंद आता है, अगर उसके बिल्कुल जो आप सभी आशीर्वाद दें उसको, और आप यूं महसूस कराएं कि वाकई में ये इस निर्णय के काबिल है, आप सभी इस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि निर्णय आप सभी का निर्णय ही सर्वमान्य है। इसमें जो अंक दिए गए हैं, सभी निर्णायकों को ये बताया गया है कि सामने जो पब्लिक बैठी है वो प्रतियोगी के बारे में क्या सोच रही है, उन पर भी आपकी नज़र रहे। तो ये निवेदन है, निजाम भाई पूरी आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आपका भी आशीर्वाद प्रतियोगियों को मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, उनके नंबर हैं और वो आपको देखकर ये नंबर इधर लिख रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पूरा आशीर्वाद दें। तमाम संतों का स्वागत परमात्मा के स्वरूप में, ये तमाम संत गरिमामय उपस्थिति के बीच हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि दिखावे के संसार से थोड़ा दूर रहते हैं ये, कि दिखावे के संसार से थोड़ा दूर रहते हैं ये, इसलिए बाबा की भक्ति में जूर रहते हैं ये। अगली आवाज अलीशा भाट। धन्य डूनारो देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण, कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा।
हमारे बीच महेंद्र जी रावत साहब भी पधार चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच कुमावत कॉलोनी से बालाजी महाराज के उपासक गोपाल जी महाराज भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत खम्मा खम्मा पैदल यात्री भंडारे समिति द्वारा। और चलिए प्रतिभागी लगातार एक से बढ़कर एक प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच थोड़ा माहौल को बदलते हैं और भक्त भी कोई कम नहीं है, एक से बढ़कर एक। भाई साहब तो देखो चश्मा लगा के बड़े बहुत ही गमगीन अपनी भक्ति में गुमनाम हो गए हैं। आज की रात चश्मे पर मशहूर हो जाए, बाबा की भक्ति कीजिए, क्या पता सुबह तक चश्मा दूर हो जाए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, जोरदार। ऐसा नहीं मेरे भी चश्मा है लेकिन मेरा अपना है, ये हट जाए कि मेरा भी सपना है और नहीं हटे तो अपन को क्या करना है। तो चलिए अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच बुला रहा हूं और ये बात कहना मेरे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस पूरे देश में वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जहां हिंदू मुसलमान की राजनीति की जाती है, धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है, ये वो बाबा का दरबार है जहां ना जात देखी जाती है ना बात देखी जाती है। देश के ऐसे कई फनकार कलाकार जिनमें एक चेहरा आपके सामने मोहिनीधुन मंजला तो दूसरा चेहरा निजाम भैया मौजूद है, जो एक ऐसे धर्म विशेष से आते हैं लेकिन भक्ति के दरबार में, अरे क्या मजहब की बातें करते हो जनाब। अरे वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो राम की खिचड़ी भी खाता है, वो रहीम की खीर भी खाता है, अरे वो भूखा है जनाब उसे कहां मजहब समझ आता है, वो भूखा है जनाब उसे कहां मजहब समझ आता है। क्योंकि हिंदू मेरी आंखें और मुस्लिम मेरा दिल, अरे हिंदू मेरी आंखें मुस्लिम मेरा दिल और सिख मेरी जुल्फें, ईसाई गाल का दिल, ईसाई गाल का दिल, और ये हमारे ही परिवेश में है। तमाम धर्म भक्त जो भी हैं सब इस परम पिता परमात्मा के भक्त हैं, ये जात पात छोड़िए। और ऐसे ही भक्ति के जाम में डुबोने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं निजाम भाई को कि वो आए और अपनी भक्ति में रसमयी सुरों के साथ आज की संगीत संध्या में आपकी प्रस्तुति दें। क्योंकि ये भारत माता जब वो जात पात का भेद नहीं करती तो भला हम कौन होते हैं। तो कहा है, तो कहा है कि ए मां, ए भारत मां, ए मां मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं कि ए मां मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं कि मुझको मौत के तराजू में ना तोला जाए। अरे मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। परमपिता परमात्मा के भक्त हैं हम सभी, वही इंसानियत हमारे बीच होनी चाहिए और उसी इंसानियत का स्वरूप के रूप में हमारे बीच जब निजाम भाई मौजूद है तो बस आपके आगमन की देरी है जनाब। आइए तमाम प्यारी भक्तों की जनता आपको याद कर रही है। आप सभी को मैं बता दूं, एक ऐसी शख्सियत है भाई निजाम भाई जो पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत प्यार के साथ में सुना जाता चेहरा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें आप सभी। जो और सबसे बड़ी बात गुरुदेव मैं आपको बता दूं निजाम भाई की, कि जहां पर भी जाते हैं ये कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा और बाकी वो जबरदस्ती जिंदा। तो मालिक का ये दरबार है, बाबा रामदेव का दरबार है,
जबरदस्ती जिंदा रहना नहीं है, और हम सभी को बाबा के दरबार में आनंद लेना है। और जो आनंद लेने आया है एक बार दोनों हाथ खड़े करें, जो आनंद लेने आया है बाबा के दरबार में, बाबा का दीवाना बन के, बाबा का बेटा बन के, जो उनसे ऊपर आया मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो उनके दरबार में झूमने आया है, दोनों हाथ खड़े करें। बोलो राम सा पीर की, बोलो अजमल कर अवतार की। पीरों के पीर बाबा रामदेव के दरबार में खम्मा खम्मा भंडारा, और बिल्कुल हमारे जिस प्रकार से ब्यावर लोक कला मंडल के तत्वावधान में ये भक्ति हो रही है, यहां से एक चेहरा निकल कर जाने वाला है जो पूरे हिंदुस्तान में आपके ब्यावर का नाम रोशन करने वाला है, और उस शख्सियत को नवाजने के साथ में ऐसे गुणीजन यहां पर विराजमान है। एक बार हमारे निजाम भाई के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें, आदरणीय निजाम भाई। हेलो हेलो, सबसे पहले मंच पर विराजमान संतों को मेरा चरण प्रदर्श आशीर्वाद चाहते हुए, और जो मेरे भाई जजेस बैठे हुए हैं उनसे भी इजाज़त चाहता हूं, और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जजेसों से, मेरा कोई टाइम रखा है क्या, फ्री है क्या? धन्यवाद। और सभी साथी कलाकारों से इजाजत चाहते हुए, देखिए सर आप तो आनंद की बरसात कर दें और ठाकुर जी को यहाँ बुला लें, बस सभी भक्त तो आ गए हैं और ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल जाए। बोलिए राम सा पीर की जय हो। सभी आए हुए भक्त प्रेमियों का अभिनंदन स्वागत, और ये बड़े हर्ष की बात है, ये द्वितीय भजन संध्या आपके बीच रखी गई है। मैं धन्य हो गया कि मुझको यहाँ बुलाया, आप लोगों के दर्शन हुए, और देखिए मैं बहुत देर से बैठा हूँ, जब से भजन प्रारंभ हुआ है। कहते हैं कि राम का दरबार हो, श्याम का दरबार हो, माँ भगवती का द्वार हो, भोले बाबा का द्वार हो, हनुमान जी की प्रस्तुति जरूर है, तो मैं हनुमान जी के भजन से प्रस्तुति जो है पेश करूंगा। और भैया बहुत अच्छा बोल रहे थे कौमी एकता के लिए, एक दो शेर मैं आपके बीच रखता हूं, उसके बाद मैं अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करूंगा। भैया ये अपने दिल की डायरी में नोट कर लेना। ध्यान चाहूंगा सभी भक्तों का, देखिए और जितने भी सज्जन यहां बैठे हुए हैं। कहते हैं वतन के चाक ग्रैमा को कभी सिलने नहीं देते, वतन के चाक ग्रैमा को कभी सिलने नहीं देते, कमल दिल का कभी दिल में कभी खिलने नहीं देते, कमल दिल में मोहब्बत का कभी खिलने नहीं देते, ये हिंदू और मुसलमान चाहते तो हैं बहुत, मगर सियासत इनको आपस में गले मिलने नहीं देती। ये सियासत है, कहते हैं कि क्या क्या बनाने आए थे, क्या क्या बना बैठे,
कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे तुमसे हमसे अच्छी वो परिंदे की जात है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बहुत सुंदर। हनुमान तेरी धाक से, हनुमान तेरी धाक से, अरे गूंजे लंका कोट, नाम लेत श्री राम का तू धारे लाल लंगो। और जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे श्री राम के लिए, उठा के दोनों हाथ, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। अरे जियो प्यारे जियो, जरा ताली बजा के देखो। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि ताली बजा के, मैं आपसे ताली बजाने के लिए नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ भजन गा रहा हूं। हर जो खेल गई प्राणों पे, जो खेल गई प्राणों पे श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। ब्यावर के लोकप्रिय विधायक शंकर सिंह जी रावत साहब पधार चुके हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ अभिवादन कीजिएगा हमारे विधायक महोदय श्रीमान शंकर सिंह जी रावत साहब। लांग के इसने सीता का पता लगाया, हनुमान जी ने सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया, प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। माता अंजनी की हो, स्वागत मंगत सिंह मोनू भाई टाइगर बैटरी हमारे बीच मौजूद आपका। माता अंजनी की, माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। हनुमान हनुमान के लिए।
हो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। आवाज आ रही है क्या? अरे जियो प्यारे जियो, जय हो। बोलिए राम साबीर की। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, सबको याद है या नहीं। पहली लाइन में बोलूंगा और इसी तरह से बस। क्या बात है, वो कौन सी चौपाई है जो ठाकुर जी को बड़ी अति प्रिय है? रघुकुल रीत सदा चली आई, आप इतना अच्छा गाते हो यार, अपना नाम क्यों नहीं लगवाया प्रतियोगिता में? हैं महेंद्र भैया देखो कितना सुंदर गा रहे हैं, मगर इन्होंने प्रतियोगिता में आपने अपना नाम क्यों नहीं लगवाया? जय हो, मैं धन्य हो गया। अब ये दोनों हाथ उठाकर और ताली बजा के भजन के अंत में इस भजन को विराम देंगे। पहले जयकार बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए राम साबीर की। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, बार तो हाथ उठाओ। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और बहुत बहुत धन्यवाद निजाम भाई।
हमारे बीच ब्यावर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान शंकर सिंह जी रावत भी पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा तमाम भक्तगण से एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन कीजिएगा। साथ में मंगत सिंह मोनू भाई टाइगर बैटरी पार्षद महोदय भी हमारे बीच हैं, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी अभिवादन करते हुए रमेश जी जांगिड़ साहब। हमारे बीच में आनंद जी तोमर साहब भी हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा आप भी यहाँ पर आए, आपका भी अभिवादन होगा तोमर ऑटोमोबाइल से। राजनीति के ज्ञाता महाविधाता, यूं कहूं कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक, वाकई में इनकी सादगी सबसे अच्छी है, सभी से मुस्कुराहट से मिलना इनकी पहचान है। आपका पुनः अभिवादन है, पूरी टीम का अभिवादन करते हुए खम्मा खम्मा पैदल यात्री भंडारा समिति के सदस्यगण की तरफ से आपका पुनः अभिनंदन। हमारे बीच में मगरे की शान महेंद्र जी रावत भी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा रमेश जी जांगिड़ साहब से कि आप हमारे बीच मौजूद महेंद्र जी रावत साहब का भी दुपट्टा पहनाकर अभिवादन करें। राजू भाई आप भी आए, तमाम प्रतिभागी आप भी ध्यान दें, आप तैयार रहें। अगली पायदान पर राहुल भाट वो तैयार रहें। महेंद्र जी रावत का स्वागत करते हुए रमेश जी जांगिड़ आप एक बार जोरदार तालियों के साथ में तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिवादन। हमारे बीच सूरज जी भाटी भी मौजूद हैं। हाँ, तालियों का संयोग। देखिए ये परंपरा है अपने देश की, जिसका स्वागत हो उसको तालियों से जरूर नवाजना चाहिए। ये बात कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, कार्यक्रम के बीच में नाशूर होना चाहिए। अरे कलाकार कुछ देर में बिखेरेंगे अपना जलवा, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। हमारे भागचंद जी चौहान साहब प्रसिद्ध सुरमई संगीतकार ब्यावर की शान, मुकेश जी पालीवाल जी का भी स्वागत कीजिएगा दुपट्टा पहनाकर। हमारे बीच महेंद्र जी अलवेला जी भी मौजूद हैं, कोटा नगरी से हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन। इसी क्रम में दिनेश जी उपाध्याय राबड़ियाबाद से हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ऋषिराज चावरिया प्रसिद्ध ढोलक कलाकार, मुकेश जी भाट भी हमारे बीच मौजूद, उनका भी अभिवादन। और सतीश जी सिकरवाल निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं, आपका भी दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन। और अब अगली आवाज बोलकर प्रभु श्री राम, अगली आवाज भाई निजाम। अरे भाई साहब एक दुपट्टा मेरे को भी पहना भाई, ताली बजाओ भाई साहब। ये बाबा की भक्ति की चूनर आपके गले में भक्ति से सरोवर करती हुई आपको। मैं चाहूंगा कि हमारे एंकर कुलभूषण जी का भी स्वागत करें, सुरेश जी भाई साहब उनका भी स्वागत, और रॉयल डीजे साउंड हनुमान जी का, एम जी पंडित जी का भी स्वागत करें। जीने जब भाई जय हो क्या बात है प्यारे, यहीं रहने देश को हर दुकान है श्याम सलोने, श्याम सलोने सांवरा मेरे श्याम, श्याम सलोने सांवरा अर तू का म्यारी कानी दे, अर नैना माईरा कुशु तो जो काज की रे, हो मोटे मोटे नैनन के तू प्यारी प्यारी बैनन के तू, सावरी सलोनी
मूरत के तू प्यारी प्यारी बैनन के तू हर कजरा रे तेरे मोटे मोटे ने बाके बिहारी हर बाके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के पास आना पड़ेगा आ जाऊं कौन कौन चाहता है जरा हाथ उठाकर बताइए हाथ खोल कर बताइए अरे सभी चाहते हैं क्या ठीक है मैं आपके बीच आ रहा हूं और मेरा साथ जय हो हर बाके बिहारी कजरा रे तेरे ज्यादा आपके बीच नहीं रहूंगा अंतर ध्यान हो जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे प्रतियोगिता हैं आपके बीच है ना और दूसरे राउंड में फुल आपको टाइम दूंगा तो आइए सभी को मिलकर कहना है ये भजन सबका सुना हुआ है हर बाके बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे रे कोई नजर ना लग जाए क्योंकि माथे पर सोए मुकुट तो धीर कुटिया दिक विसार और कानों में कुंडल जपे कोई गल बैजंती माल रे नजर ना लग जाए नजर बाग में नजर को हमने नजर घुमाते नजर को देखा नजर बड़ी नजर के ऊपर नजर चुराते नजर को देखा नजर ना लग जाए हर जमाने पर नजर होगी मेरा दिल भी वही होगा जिधर तेरी नजर होगी रे हाँ नजर ना लग जाए एक बार जरा दोनों हाथ खोल दीजिए आकाश की ओर बिल्कुल सीधे शर्म संकोच छोड़ के और सभी को मिलकर कहना है अरे नजर ना लग जाए देखिए समय का अभाव देखते हुए इस भजन को यहीं विराम दे रहा हूं मेरी गलतियों को क्षमा करना बोलिए सच्चे दरबार की जय हो एक बार जोरदार तालियां निजाम भाई के लिए अगली पायदान पर राहुल भाट अजमेर से हमारे बीच पधारे हैं प्रतिभागी के रूप में आप जल्दी से मंच पर आए और प्रतियोगिता का जो पहला चरण चल रहा है उसमें 11वें प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच राहुल भाट हेलो जजमेंट सभी ध्यान दे जजमेंट जितने बेटे 11 नंबर पे जो कैंडिडेट है वो एब्सेंट है जी मिस कमल राजपूत मुंबई वो हमारे बीच नहीं पधारे हैं माफी चाहूंगा हाँ, राहुल भाट अजमेर से जो इसके बाद अगली पायदान पर है वो 12 नंबर जो आपके लिखा हुआ है लिस्ट में 11 नंबर एब्सेंट है जी एब्सेंट लगा दीजिएगा आप 12 है 12 नंबर पर राहुल भाट अजमेर ये आपके सामने प्रतिभागी है जी अगली आवाज राहुल भाट